व्हाट एल्स साहब, सर पहले भी आप जुड़े थे, आपने बात नहीं की। हाँ, बात नहीं हुई, निकाल देते हो मेरा ख्याल। नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना साहब, अभी आवाज आ रही है। मोमिन है आप? नहीं, मुस्लिम हूँ अच्छा, मुस्लिम है अभी भी है? इंशाल्लाह कयामत तक। कयामत तक जिंदा रहने वाले हो? मेरी नस्लें भी रहेंगी। पूरी बात तो सुन लो, हंसने से पहले बात तो सुन लो। जब जिंदा नहीं नस्लें रहोगे तो मुस्लिम कैसे रहोगे? नस्लें तो रहेंगी, अरे तुम्हारी यार, तो नस्लें एक अभी बात खत्म हो बताओ, वॉट जाएंगी, एल्स साहब, तुम्हारी वॉट एल्स नस्लें साहब। अभी खत्म हो जाएंगी। अच्छा सुनो, दिल पे नहीं लो, मेरी बात सुनो। आपने हाँ कहा कि बताओ। कयामत तक आप मुस्लिम रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने आपकी किस्मत में अगर मुर्तद होना लिखा है तो क्या करेंगे आप? तो बनाओ, मुझे कन्विंस करो। नहीं, मैं नहीं, अल्लाह ने लिखा है अल तो वो तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। करो ना, कोशिश तो करो। नहीं, हमको कोशिश नहीं करना, इस सवाल का जवाब चाहिए कि आपकी किस किस्मत में सवाल? अल्लाह ने, आपकी किस्मत में अल्लाह ने अगर मुर्तद होना लिखा है तो आप क्या करेंगे? हो जाएंगे। अल्लाह ऐसी चीज नहीं लिखता। नहीं लिखता, फिर हमारी किस्मत में कैसे लिख दिया? नहीं, तुम तो पैसे कमा रहे हो, बैठ के सीधे सीधे पैसे कमा रहे हो बस, और तुम्हारे टोपी अरे ड्रामा है सारा पैसे ये। भी कमा रहे हैं, चलो ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो कमा रहे हैं ना। अल्लाह ये के गलत है, ये लिखे हुए हराम थोड़ी ना हो है। सकता, हराम भी कमा सकते हैं ना, इजाजत दिए। अल्लाह के हराम कमा लिखे के रहे हो बगैर तुम थोड़ी ना लोग हो सकता कुछ भी। तो, हराम कमा रहे हो ना, इजाजत दी हुई है तुम्हें। हराम भी कमाओ, सब जहन्नुम में अरे जाएगा। भाई, तो अल्लाह ने लिखी थी ना किस्मत, तो हराम कमाने की भी इजाजत है जैसे हलाल कमाने की, सही नहीं तुम जवाब हराम दे कमा देता रहे हो, यार। दिमाग सही ही जवाब अपंग दे, कर कमा रही है, गए समझ भाई, में नहीं कमा आ गए रहा है। आपको। सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हो? वॉटल साहब पहले अच्छे से सुन लो, आप सवाल क्या है, आप बोलो फेंको एडम सवाल। भाईजान, अल्लाह ने लिखा हुआ था तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो गलत कमाने की इजाजत दी भी है खुदा ने, हलाल अरे भाई, भी इजाजत कमाओ गई हराम भी भाड़ में, कमाओ। क्या अल्लाह ने लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ है, हलाल भी हराम दोनों कमा सकते हैं। तो फिर अगर आपकी किस्मत में भी ऐसा लिखा हुआ थोड़ी देर बाद, तो फिर क्या होगा? क्या लिखा हुआ होगा, कहाँ लिखा क्या आप होगा? लिखा हो हुआ? आप भी जाएंगे और मुर्तद हो पैसे जाएंगे कमाएंगे, और हमारे सिफ में आ जाएंगे। मतलब नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट नहीं है। आप तुम्हारे पास अल्लाह को अल्टरनेट? अपनी किस्मत का पता है? क्या लिखा हुआ हाँ है आप चलो, मुझे किस्मत में? अल्टरनेट बताओ फिर, अल्टरनेट कोई अल्टरनेट, है वो बात इस्लाम की का? बात है, मैंने अल्लाह ने बताएगा अल्टरनेट, मैं तो नहीं बताऊंगा। आपकी किस्मत हाँ, में लिखा अल्टरनेट हुआ है कि नहीं आपके लिखा हुआ? उसमें अगर बुद्धिस्ट बनना है तो आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे, अल्लाह ने लिख दिया है वो। नहीं, बुद्धिस्ट बन के मैं क्या जंगल में निकल जाऊंगा? यहाँ पे भी हैं लिखा, अल्लाह ने जो फॉरेन लिखा हुआ जाके, उसकी बात, हाँ अल्लाह के लिखे अल्लाह के ने निकल लिखा जाएंगे। होगा तो हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अल्टरनेट क्या है, इस्लाम का अल्टरनेट क्या है? अरे ये सवाल ही भाई, नहीं अभी। अल्लाह ने जो लिखा हुआ पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ बताओ, अल्लाह अल्लाह ने ने क्या जो लिखा लिखा हुआ? है वो होगा, कयामत आनी है तो आनी है, अगर उसने लिखा हुआ कि मुस्लिम तुमने एक्स जहन्नुम में मुस्लिम होना है जाएंगे तो तो क्या जाएंगे। करोगे? नहीं मैं नहीं हो रहा ना अभी, फिलहाल नहीं हो रहा, मैं मेरा कोई अरे इरादा फिलहाल नहीं है कौन इसमें, कह रहा है कि फिलहाल हो जाओ? किसी ने कहा है? तो मुझे कन्विंस करो ना। नहीं करना ना कन्विंस, तुम जैसे लोगों को कन्विंस कौन करेगा, पागल है? ले तुमसे बेहतर तो मैं तुम फिर देखो, हार बात मान सुनो, लो, फिर बात सुनो, हार मान लो कि देखो तुम कन्विंस नहीं मैं तो कर बताता हूँ, सकते। मैं तो बताता हूँ। तुमने कभी भैंस के आगे बीन बजाई? भैंस के आगे क्यों स्लॉटर तुम लोग करते हो, भैंस को और गाय को माता मानते हो, ये अरे कौन मैंने सी कहा कभी डुप्लीकेसी है भैंस तुम लोगों की? के आगे बीन बजाई है? भैंस के आगे क्यों बीन बजाऊंगा, तुम्हारे आगे बजा तो रहा हूं मैं। एग्जैक्टली, इसीलिए इसीलिए हम तुम्हारे आगे कोई बात नहीं करेंगे। भैंस के आगे बीन नहीं हाँ बजाई तो फिर जाती, क्या किस्मत पर फायदा बात हुआ, होगी। फिर क्या फायदा हुआ, क्या मतलब, तुम्हारी किस्मत नालिश का फायदा क्या हुआ? किस्मत तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो हो जाओगे। अल्लाह कहता है किस्मत में जो लिख दिया बस लिख दिया, वही उनके ना। ऐस होना कौन सी फखर की बात है, मुझे ये तो बताओ। अरे यार, फखर था, किसने कहा कि हमें फखर है? एक्स होना फखर की बात किस डंगर ने कहा हमें फखर है? है? तो तुम तो कहते हो हम तो बड़े प्राउड हैं यहाँ पे एक्स होके। किसने कहा? प्राउड तो तुम्हारा अल्लाह है जो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहता है कि तमाम प्राउड जहन्नम में जाएंगे, और फिर अल्लाह कहता है कि मैं अल मुतकब्बिर हूँ, सबसे बड़ा प्राउड मैं ही हूँ, तो अल्लाह तुम्हारा जहन्नम में सड़ जायकी रहा। बात नहीं,
जो इसमें अल्लाह ने जहन्नम कहा, बनाई अल्लाह हुई ने है कुछ कुरान में कहा है करके ना कि एवरीवन जो कि प्राउड है वो जहन्नम में सड़ेगा, कहा है कि नहीं कहा? सिर्फ उसके अलावा, नहीं, ये नहीं लिखा। गॉड के अच्छा चलो, अलावा। अगर अगर वहां पे ना लिखा हुआ उसके अलावा, तो मान लोगे कि अल्लाह जहन्नम में सड़ेगा? जब लिखा हुआ मैंने खुद पढ़ा है मैं अगर मैं दिखा कि दूं कि सिर्फ उसमें ना खुदा लिखा हुआ की जात तो के अलावा, खुदा की जात के अलावा सब पे मुतकब्बुर मैं हराम है। अगर तुम्हें दिखा दूं कि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ खुदा की जात के अलावा, तो क्या करोगे? मैंने पढ़ा है ना, तुम दिखा दो। अच्छा चलो मैं दिखा देता हूँ, ये लो पकड़ो। ले आज साहिल भाई साहब, इस्लाम छोड़ेगा, इनकी किस्मत साहिल में साहब आज ही अगर, छोड़ना है एडम। हाँ इन्होंने आज ही देखो छोड़ना ना, है। अजान हाँ भी तो हो, और अजान इससे अच्छी क्या बात होगी कि तुम आज ही भी जो है मान लो, होगी। हाँ कन्विंस करो मुझे, बताओ कौन सा नहीं धर्म कन्विंस अच्छा नहीं है। करना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा अल्लाह जहन्नम में है। हाँ जिसने जहन्नुम बनाई हो खुद जहन्नुम में। ये लो पहली आयत लो, तीन चार देता हूँ आप तुम्हें। अपना घर बनाते हो तो उस घर के अंदर नहीं हाँ, जाते हो? घर के अंदर जाते हैं, मैं जहन्नुम बनाऊंगा तो उसमें थोड़ी जाऊंगा, जन्नत में हाँ अल्लाह जाऊंगा मैं है, तो, अल्लाह है, अल्लाह के कुछ इस वक्त एक पाँव जहन्नम में है, बाकी का पूरा कयामत के दिन जाएगा वो। करना। अल्लाह का कोई पाँव नहीं होता? अल्लाह का पाँव है और जहन्नम में है। फीहा अल नहीं है पाँव, जहन्नम। नहीं होता, नहीं होता कोई पाँव, जिसम है ही नहीं नहीं खुदा मैं का। दिखा दूंगा आपको, इसी को छोड़े भी पहले ये वाली आयत पढ़े जो आपके सामने है। ये मुझे नजर ही नहीं आ रही, इतनी छोटी लिखी हुई है। अब आंखें तुम्हारी खराब हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ दूं? पढ़ो। अल्लाह कहता है, और याद करो जब मैंने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, सब सजदे में गिरे पड़े सवाए इब्लीस के, इसने इनकार किया, तकबर किया, और वो हो गया काफरों में से। जो तकबर करता है वो काफरों में हो जाता है ना। सिवाय अल्लाह बेहतरीन, सवाए अल्लाह के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ कहाँ सवाए लिखा है? अल्लाह के। दूसरी दूसरी आयतों में लिखा हुआ आयत दिखाता हूँ, अगली आयत 7 की 13। अल्लाह ने फरमाया, पस उतर जा इस पर से, तुम्हें हक नहीं था कि तुम तकबर करो, पस निकल जाओ यहाँ पे जलीलो ख्वार होके। जो तकबर करता है वो जलीलो ख्वार होता है ना, अल्लाह भी हो रहा है हमारे हाथों। आगे देखते हैं नहीं साफ नहीं, कुरान चैप्टर नंबर कोई 16 कुछ की आयत नहीं नंबर होता, 29, ये देखो सोलह के तुम्हारे उनतीस जैसे हजारों अब हैं। दाखिल हो जा जहन्नम के दरवाजों में से, इसी में से हमेशा रहने के लिए। पस क्या बुरा ठिकाना है मुतकबरीन का। अल्लाह कहते हैं तमाम मुतकबरीन जहन्नम में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अल्लाह भी कयामत के दिन जहन्नम में जाएगा, अपनी बात कर सकते हैं। तो उसने ये नहीं कहा सवाए अल्लाह के, लिखा है दूसरी आयतों में, लिखा है, मुझे आयत दिखा देंगे नंबर साहब याद पे लिखा है। नहीं है, मैंने मैं आपको तीन बता आयतें दिखाई, रहा कहीं नहीं लिखा। हूँ। आप एक आयत तो पेश मैं कर जो दो। आप, मैं स्कॉलर नहीं हूँ ना, मैं आयतें बताता तुम्हें कि जिसमें लिखा है कि ये सिवाय होमवर्क मेरे। भाई आप दिखा लाओ दे। होमवर्क लेके चले जाओ। व्हाट एल्स? होमवर्क लेके चले जाओ। नहीं लिखा हुआ है, मैंने बता रहा हूं ना कि हाँ मेरे तो अलावा सब पे यार तकब्बुर। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? अगर लिखा हुआ है तो उसका हवाला दो, अगर हवाला नहीं है तो होमवर्क लेके जाओ और लेके आओ, फिर बताओ। ठीक है अब अच्छा ये देखो, ये मैंने मुझे कहा था ना अल्लाह का बताओ, एक पाँव इस वक्त भी जहन्नम है, ये लो मैं दिखाता हूँ अल्लाह का एक पाँव इस वक्त भी जहन्नम है। प्रॉफिट सेड, अल्लाह का जब अल्लाह ने जिसम जहन्नम बनाई जिसम तो वो कहती रही मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, टिल योर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड पुट हिज फिट ओवर इट, नॉट ओवर इट। ओ फिट है मुंह अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पे, ये देखो कई फिर नार पका हत्ता युद फीहा रब्बुल आलमीन कदमहू, जब तक उसने उसके अंदर अपना पैर नहीं रख दिया। कदमहू, ये सब फर्जी बातें, फर्जी सिंबॉलिक बातें, सही बातें बुखारी फर्जी होती बातें, कुत्ते का बच्चा सही बुखारी फर्जी बातें लिखी हुई है उसने। अल्लाह ने अपना हैं। पैर कोई जहन्नम में डाल दिया, ये देखो तुम्हारे लिए, ये देखो उर्दू को देखते हैं, ये उर्दू देखते हैं, इंसानों की लिखी हुई यहां किताबें तक हैं, कि इनको यकीन नहीं आलमीन रखते। ये का कदम रख देगा। सब इंसानों की लिखी हुई है, ऐसी व्हाट इल्स, बातें तो बाइबल में भी लिखी हुई व्हाट है। इल्स, वेदास चाचा में चौधरी के भी लिखी चौदह हुई चौथे हो है। क्या ब्रो? सुन तो लो, हंसे व्हाट जा रहे इल्स, हो, बात तो सुनो। आप हदीसों को नहीं मानते? व्हाट इल्स भाई, नहीं सिर्फ कुरान को मानते हो? सिर्फ कुरान। कुरान के अंदर भी अल्लाह हाँ तो शैतान है। कुरान के हिसाब से तो फिर नहीं, वो पहले डन हो जाए ना। कुरान के हिसाब से तो अल्लाह फिर जहन्नम में जाएगा ना, मुतकब्बिर है अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुतकब्बिर जो है वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं मुतकब्बिर सिर्फ खुदा की जात के अलावा सब जाएंगे जानने में। दिखा दे, वो साबित कर दे। आयत पेश कर दे भाई, तो आयत नंबर याद नहीं है लेकिन लिखा हुआ है इसमें। लेके आओ फिर भाई।
अभी 10-15 मिनट में ढूंढ के लेके आओ, जब तक दूसरे से बात कर अच्छा लेंगे। मेरी ये बात बता दो कि अगर इस्लाम गलत है तुम्हारे तो नजरिए पहले के ये लेके आओ मुताबिक, फिर तो बताएंगे। सही कौन सा, सही कौन सा है पहुंच ये जाके तो फिर बता दो, मेरे दिन पे आ जाओ, मेरे दिन पे आ सही जाओ, ठीक कौन है। पहले सा है। अच्छा ये सही है, फिर सही, जाओ। सही कौन सा है? मेरा दिन सही है, उस पे आ जाओ। ये जो अल्लाह का एक खेलने और के नाम लिए आया तो था ह्यूमिलेटर भी है, ह्यूमिलेटर अल्लाह का एक और नाम। हाँ जी, एडम, मुदेल ये जो मुदेल सोच के आया था बेचारे को, उसपे खेलने नहीं मिला किस्मत इसको पता नहीं इसके बाप से बैठे हैं, खा इसके अल्लाह के कैसे भी, गया बेचारा इसके अल्लाह के भी बाप बैठे हैं यहाँ पे।